बस ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं। अगेन अवां खे भली कार चवंदसि ऐं कुझु शयूं हिते जिते मां तव्हांखे चयो ॾेखारींदसि। माशाल्लाह हीअ जेका पर्स आहे मूंखे ॾाढी ख़ूबसूरत पई लॻे ऐं हिन में इहे बलोची आहे, एम्ब्रॉयडरी मुझे काफ़ी सिंधी कॉम्बिनेशन है ना, सिंधी है क्योंकि इसको जंजीरी टांका बोलते हैं। जी जी एग्जैक्टली, और मुझे बनाने भी आता है। अच्छा सो इसीलिए मैंने इसको फट से पहचान लिया और इसीलिए मैंने सबसे पहले मेरी जो नज़र पड़ी वो इसके ऊपर पड़ी क्योंकि सिंधी और बलोची का ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि हम सिंध बलूचिस्तान या पाकिस्तान से किसी भी सूबे को अलग नहीं कर सकते, तो ये जो मोहब्बत का आपने सबूत दिया है ना मुझे बड़ा अच्छा लगा। सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं दिखा दूँ और दोनों साइड इसके भरे। अच्छा कितने एक्सपेंसिव है अगर कोई परचेज करना चाहे तो? ये मुख्तलिफ प्राइस है ना इसके, तकरीबन 1500 से लेकर 2000 है ना। 1500 तो हाँ होने चाहिए क्योंकि इसके काम भी इतना हाथ का किया, इसमें होम डिलीवरी भी शामिल है उसी 1500 रुपये। 1500 होम डिलीवरी के साथ चलें जी, जिसको ऑर्डर करना हो वो ले जा सकता है, फिर मत कहिएगा कि हमने ऑफर नहीं दी। अच्छा बाकी चीज़ें भी हैं दिखाने के लिए लेकिन कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, लाइन ड्रॉप थी वही, बहरहाल ये भी थींदो है। अच्छा लेदर के बैग्स की मैंने बात की और इस तरह के पाउचेज आजकल बहुत चल रहे हैं, ये पाउच। हाँ व्यूवर्स आप देख सकते हैं ये बिल्कुल, ये देखो हैंडमेड हुआ है बलूची, ये ज्यादातर बलूचिस्तान क्वेटा से बनते हैं। अच्छा हाथ का काम है, मशीन का काम है? हाथ का काम है। तो ये किस तरह किया होगा? ये पहले किया हुआ है फिर उसमें फिर स्टिचेस हुए हैं ना, पहले सिंगल पीस में ये एम्ब्रॉयडरी हुई है फिर उसके बाद मशीन के साथ, इतना फिनिशिंग के साथ किया हुआ है कि मुझे फील नहीं हो रहा कि ये हाथ का है। मुझे लग रहा था कि जब मैंने इसको देखा मुझे लगा ये मशीन का काम है और डायरेक्टली मशीन पे। यही एक्चुअली इसकी ब्यूटी है, जो उसकी यूनिकनेस है ना, जिस वजह से। और ये बड़ा ही खूबसूरत है, इसमें आप अपने कार्ड्स वगैरह रख सकते हैं, आप जिप भी है इसमें, आप पैसे वगैरह रख सकते हैं और महफूज तरीके से। इंटरनेशनल ज्यादा यूज होते हैं, वहाँ से ऑर्डर हमें ज्यादा मिलते हैं। सही, हाँ इस तरह की चीजें क्योंकि बाहर के ज्यादा करते हैं है ना। अभी हमारे पास आप प्रोडक्ट देखें और उसमें हम कितना बारीकी से काम करें ताकि वेस्टर्न टाइप का वो जैसे वो लुक आ जाए। बल्कि हम अगर अपनी बात करें और आजकल के ज़माने की बात करें तो हम खुद नहीं चाहते कि इतना कोई बड़ा भारी भरकम हम बोरा उठाएं। हाँ कहीं आउटडोर जाना होता है फिर तो मजबूरी हो जाती है कि सामान आपको डालना होता है, वरना नॉर्मली अगर कहीं करीबी मार्केट जाना हो और जिस मार्केट जाना हो तो हम कोशिश करते हैं ये उठाएं और बस निकल पड़े। सो कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, लेट्स सी कौन है लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम, आज क्या हो रहा है, मतलब लाइंस क्यों ड्रॉप हो रही है? कोई बात नहीं, असल में क्या है कि कॉल्स आज इतनी ज़्यादा आ रही हैं, इतनी ज़्यादा आ रही हैं कि बस थोड़ा सा मेरी बातों की वजह से इंतज़ार करना पड़ रहा है, उसकी वजह से लाइन ड्रॉप हो रही है। बहरहाल ये भी बड़ा ही खूबसूरत है, ये आजकल जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा इनका चल रहा है। ये ज़्यादा यूनिवर्सिटी वाले जो फीमेल हैं जो यूनिवर्सिटी ज़्यादा यूज़ करते हैं, मोस्टली लाइक करते हैं। हाँ मुझे पर्सनली बहुत पसंद है इस तरह की, सो इसलिए मुझे बहुत माशाल्लाह ये खूबसूरत लगी और ट्रेडिशनल प्लस वेस्टर्न क्योंकि दोनों टचेस इसके अंदर हैं, आप इसको कहीं भी लेकर जा सकती हैं। अच्छा जी टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है तो मैं चाहूँगी कि एक वॉक हो जाए क्योंकि आपका ड्रेस फ्लोरल पे ये काम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं चाहूँगी कि आप भी क्योंकि आप दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, तो मैं चाहूँगी एक वॉक हो जाए ताकि व्यूअर्स को हम आपकी ड्रेसेस प्रॉपर दिखा सकें। जी शॉर्ट ब्रेक जो भी टाइम आए सो ब्रेक ना वधंदासीं, ब्रेक खां पोइ जॾहिं मां वापसि ईंदसि मुंहिंजे हथ में इलाही शयूं आहिनि जेके मां तव्हांखे ॾेखारण जी कोशिशि कंदसि। सो मिलूं था मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ।